दोस्तों, मेरा नाम सुरेश यादव, फार्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण से। आज हम एक ऐसे किसान साथी के साथ आए हैं जो एक फार्म पॉइंट लगा रखे हैं और अपनी खेती कर रहे हैं। यहाँ पर आसपास में देखने से पता चला कि यहाँ पर पानी बहुत कम है, और जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इसको किया। नमस्कार सर, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विकास यादव है, यह जयपुर वाघावास से बिलोंग करता हूँ, और आज हम बताएंगे कि आपको इस फार्म पॉइंट की कैसे बनाया गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आसपास पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी के किनारे हम रहते हैं। नदी 20-30 सालों से सूखी पड़ी है, तो यहाँ पानी की मात्रा बहुत कम है। हमने सबसे पहले पंचायत में एक फाइल जमा करवाई, और फाइल जमा कराने के बाद में 6-7 महीनों में वहाँ से हमारा नाम अलॉट हुआ। नाम अलॉट होने के बाद में हमने यहाँ फार्म पॉइंट बनवाया, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। हमारे पंचायत के द्वारा ये बनाई गई है, और उसके बाद में हमने जो बारिश का पानी है उसको एक ढलान वाले क्षेत्र में इसको बनाया, और बनाने के बाद में आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारी फसल बहुत अच्छी है। जैसा कि यहाँ पे देखने से हमें पता चला, परंतु जैसे कि आपका ये खेत बिल्कुल हरा भरा है, अभी आप यहाँ पर कौन कौन सी अभी इस टाइम आप फसल लगा रखे हो? इस टाइम अभी गेहूँ लगा रखा है, और जो है साथ में सरसों भी लगा रखी है, जो अभी बिल्कुल स्वस्थ है। उम्मीद है कि अच्छा होगा। क्या सर, इतने दिनों में आप फर्स्ट बार ये फसल लगा रहे हो? इतने दिन ये खेत बिल्कुल सूखा था? हाँ सर, ये बिल्कुल सूखा था। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जो भारत के और किसान भाई है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हम उन्हें यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ पानी वाला इलाका नहीं है, वहाँ पे ये पॉन्ड बनाए, पंचायत के द्वारा बन जाता है। ऐसे एसटी में अगर कोई है तो 9,000 में बन जाएगा, और अगर कोई ओबीसी कास्ट में है तो 20,000 में बन जाता है। हम तो ये सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के पानी को स्टोर किया जाए, और अपनी खेती को सुचारू रूप से चालू की जाए, ताकि जो राजस्थान की जो किसान भाई है वो समृद्ध हो सके। जैसे कि बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, तो अपना जो घरेलू घर में रहने वाले लोग हैं वो आराम से इसमें काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम तो यही सलाह देंगे। धन्यवाद सर।